अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ मवाना रोड स्थित डिफेंस कॉलोनी में करोड़ों रुपए के गबन का मामला मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंच गया है। शिकायतकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लखनऊ पहुंचकर जनता दरबार में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अपने आवेदन में इन लोगों ने आरोप लगाया कि अब तक गंभीर धाराओं में 6 रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद आरोपी पुलिस मिलीभगत से खुलेआम घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि पैसे वालों की इस कॉलोनी के प्रबंधन से जुड़ा गरीब स्टाफ वेतन के लिए संघर्षरत है। हाल ही में उन्होंने कॉलोनी गेट पर हड़ताल भी की थी। आज ADG पुलिस से मुलाकात के बाद शिकायतकर्ताओं ने यह जानकारी firstbite.tv को दी। देखिए, मेरा नाम राजेश त्यागी है जी। लगभग 4 साल से हम लोग एक बड़े गबन की लड़ाई लड़ रहे हैं दी सैनिक सहकारी आवास समिति में, जिसमें 6 FIR दर्ज हो चुकी हैं आज तक। और हम ADG साहब से भी ये कहने आए हैं कि उसमें कार्रवाई नहीं होती और अभियुक्तगण खुले घूमते हैं। NBW के बावजूद भी हमने सबूत भी दिखाए कि अभियुक्त जो है अपने मकान पर मौजूद है, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं होते। दूसरा, हमारे ऊपर झूठे आरोप किसी महिला को भेज करके, किसी को कहीं भेज करके झूठी शिकायत करने में अभियुक्त लगे रहते हैं। हमने गैंगस्टर की कार्रवाई की मांग की है और जो अभी जो वर्तमान में FIR फिर गबन की दर्ज हुई है उनमें कार्रवाई की मांग की है। ADG साहब ने कहा है कि मुझे पॉइंट वाइज इसकी डिटेल आप उपलब्ध करा दो, कार्रवाई करा दी जाएगी। मेरा नाम कर्नल SP सिंह है, डिफेंस कॉलोनी में रहता हूँ। डिफेंस कॉलोनी में जो हमारी प्रबंध कमेटी थी वो भ्रष्टाचार में लिप्त थी, और जो हमारे दफ्तर में एक लिपिक थी, अकाउंट लिपिक रहनुमा खानम, वो उसमें मेन कर्ता धर्ता थी। तो इसलिए 2019 दिसंबर के महीने में मैंने उसका ऑडियो वायरल किया था, जिसमें वो पैसे मांगती हुई पाई गई थी, कह रही थी कि मुझे इतना पैसा चाहिए। उसके पश्चात उसकी शिकायत के बारे में CO सदर जो गंगानगर कभी देखते हैं, उन्होंने इंक्वायरी की थी। उस इंक्वायरी में उसने बिल्कुल साफ साफ माना था कि ये ऑडियो मेरा ही है। उसके बाद उस इंक्वायरी में कहा गया था कि ये कार्रवाई तब होगी जब ये अपना लखनऊ से हमारे क्या बोलते हैं अध्यक्ष आवास विकास परिषद, वो इसके सैंक्शन देंगे। केस वहाँ तक गया, उसके बाद DM को लेटर आया कि इसकी इंक्वायरी की जाए। हमारे भ्रष्टाचारी प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष थे कि जी इन्होंने तो एक तरफा इंक्वायरी की और ये इंक्वायरी गलत है, हम इसको नहीं मानते। उसके पश्चात चौहान साहब ने, जो अध्यक्ष थे लखनऊ में, उन्होंने दोबारा DM को लिखा कि इसमें त्रिस्तरीय जाँच कराई जाए। वो जाँच हुई जो अगस्त 2021 में कम्प्लीट हुई। DG साहब ने ये बोला है क्योंकि मेन अभियुक्त के खिलाफ में नॉन बेलेबल वारंट इशू हुए हैं कि मुझे इसकी बिंदुवार लिख के दे दीजिए, मैं इसके ऊपर कार्रवाई कराऊंगा। मेरा नाम कर्नल गोपाल कृष्ण वर्मा है। मैं 4 साल से ये केस लड़ रहा हूँ डिफेंस कॉलोनी आवास में, जो भ्रष्टाचार चल रहा है। इसमें मेन अभियुक्त जो है वो महेंद्र सिंह है, मेजर महेंद्र सिंह। अब क्या है कि उसके 6 FIR हो चुके हैं। पुलिस वालों से हम रिक्वेस्ट करते भाई पकड़ते क्यों नहीं है, नॉन बेलेबल वारंट हो रखा है। पुलिस वाला कहता मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। उसका घर जो मैरिज होम है गंगानगर में शुरू होते ही राइट में, वो मैरिज होम में मधु विला है उसके बराबर में, वो वहाँ आपको हमेशा मिलेगा। रोज़ उसके मैरिज सेरेमनी होती है, रोज़ वो खड़ा होता है और रोज़ वहाँ पर वो मैरिज वालों को वेलकम करता है। और यहाँ पुलिस वाले कहती है कि हमें मिलता ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मिलता नहीं है जब वो वहाँ पर मौजूद है? तो मतलब पुलिस वालों के साथ इसकी मिली भगत है कि या तो इसको इन्फॉर्म कर देते हैं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त, या उसका कहीं ना कहीं उसका ऊपर से भी कोई संरक्षण है उसके पास। हम भी 4 साल से लड़ रहे हैं, हम भी सब रिटायर्ड फौजी है, सही के लिए लड़ रहे हैं। 8-10 करोड़ का गबन हुआ है, जो छोटी बात नहीं है, और वो भी हमारा पैसा है, उसी लिए हम लड़ रहे हैं उसके लिए। और हमारे कोई मदद ही नहीं करना। ADG सर ने रिक्वेस्ट की है, इन्होंने कहा लिखित में दो, अब इनको लिखित में देंगे। हम आशा करते हैं कि यहाँ से कोई हमारे को राहत मिले, यही हमारा कहना है। और दूसरा, राजेश हमारे साथ है, इसके ऊपर गलत फर्जी वो लगाया जा रहा है कि लेडीज़ ने छेड़ा। ये लेडीज़ क्यों छेड़ेगा भाई? वो हमें कहीं ना कहीं फंसाना चाहते हैं।
टेलीफोन पे हमको धमकी देते हैं, तुम ये हट जाओ पीछे नहीं तो तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। ऐसे कॉल्स बहुत आ रहे हैं वहाँ पर, और ऐसे ही इसके ऊपर वोट डाल देते हैं कि ये लड़कियाँ छेड़ रहा है। लड़की क्यों छेड़ेगा, कहीं ना कहीं वो हम लोगों को फंसाने के चक्कर में रहते हैं कि कहीं। हम सर इसीलिए आए हैं कि मेन जो ये महिला का जो केस डाल दिया गया है राजेश त्यागी पे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठे केस डालते हैं ये लोग, और ना ही इनको कोई उठा रहा है ना पकड़ रहा है। पुलिस का बस यही है कि बस कह देते हैं कि पकड़ लेंगे, लेकिन कोई नहीं पकड़ रहा है किसी को भी। चार साल से ऐसे ही घूम रहे हैं ये लोग, इतने मुकदमे सब कुछ होने के बावजूद भी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार। केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है।